हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में लिविंग द मूवमेंट। मेरा नाम है संकेत और इस बार लिविंग द मूवमेंट्स आपको लेकर आया है ग्रीस ट्रिप पर। तो पूरे ग्रीस ट्रैवल को एंजॉय करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ अपने आप दिख जाएंगे। और आप देख सकते हो कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कैसी हुई है, एक ग्रीस फ्लैग से, और बहुत ही सुंदर स्ट्रीट है यहाँ पर। हम यहाँ पर रात में आए थे कल अराउंड 11 o'clock, तो भी हैपनिंग था क्योंकि 12 o'clock तक ये जो होटल है यहाँ पर ये खुला रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रूम है हमें मिला है 96 यूरोज़ में टू डेज़ के लिए। यस, आपने बराबर सुना, 96 यूरोज़ में टू डेज़ के लिए। और ये लोकेशन है पिराइस पोर्ट। तो हम यहाँ पर क्यों रुके हैं इसके बारे में तो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझ में आ ही जाएगा कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। बट हम यहाँ पर रूम का टूर देने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि हम यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो यहाँ पर आने के लिए एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकलिएगा, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है तो बाहर आने के लिए लगभग 10 मिनट्स लग जाएंगे। सीधा 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 आना है बाहर, और आते ही आपको ऐसे छोटे से शॉप्स दिखेंगे जहाँ पर से आप टिकट ले सकते हो बस का। तो आपको बस लेना है X96 और उसका टिकट है पर हेड 5.5 यूरोज। तो अगर आप बस से ये यहाँ पर आते हो तो आपको 5.5 यूरोज में आ जाओगे, और अगर आप ट्रैम से या ट्रेन से आते हो तो आपको 9 यूरोज लगेंगे, वो भी चेंज करके आना पड़ेगा। और बस ट्रैक काफ़ी स्मूथ था, लाइक डायरेक्ट था, तो उसके वजह से हम अराउंड 45 to 50 मिनट्स में हम पहुँच गए यहाँ पर। और ये जो स्टूडियो है इसका नाम है यलोंदा स्टूडियो, और बस स्टॉप यहाँ पर पास में ही है। तो जस्ट जैसे ही बस स्टॉप पर हम उतरे तो 4 मिनट्स वॉक पर हम यहाँ पर पहुँच गए। तो ये रहा कि हम एयरपोर्ट से हमारे स्टूडियो तक कैसे पहुँचे। और आपको भी ये स्टूडियो अगर बुक करना है तो मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ कैसा है। ये दोनों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो चलो आपको हमारा स्टूडियो का टूर कराता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो स्टूडियो का मतलब एक ही रूम में सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। तो ये है हमारा अपार्टमेंट, और इसके छोटे छोटे डिटेल्स में आपको अभी बता दूँ। ये बेड बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पर ही बालकनी है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा ऐसा एक सेटअप किया गया है छोटा सा, और यहाँ पर बैठ के हमने कल रात को मैगी खाई थी, तो बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पर। फिर मिरर जो कि मस्ट नीडेड है, और एक TV, यहाँ पर इंडक्शन है कुकिंग के लिए, और हमने अभी हमारा खिचड़ी चढ़ा दी है यहाँ पर। जैसे कि आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हम किचन वाला ही होटल या रूम प्रेफर करते हैं क्योंकि हमको वेजिटेरियन खाना पड़ता है, और यहाँ पर यूरोप ट्रिप्स में ज़्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते नहीं हैं। यहाँ पर फ्रिज है, पूरे लाइक वेल इक्विप्ड किचन दिया गया है हमारे यहाँ पर। एक छोटा सा टेबल है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये हमारा छोटा सा अपार्टमेंट। हम बहुत खुश है, बेड काफ़ी कंफर्टेबल था, तो नींद बहुत अच्छी हुई है। और आपको अभी मैं छोटा सा बाथरूम दिखा दूँ, तो उसमें भी छोटे छोटे डिटेल्स है जो कि उन्होंने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया है कि हम एक बाहर आके रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक घर का फीलिंग आ रहा है यहाँ पर रहने के बाद। तो बहुत ही अच्छा सेटअप दिया गया है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ घर का फीलिंग आ रहा है दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो यहाँ पर आप देख लो ऐसा लाइक स्प्राउट्स दिए गए हैं, सॉल्ट दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई है, राइस भी दिया गया है, सो दैट अगर भूख लगता है कुछ नहीं है तो एक प्रॉपर केयर किया गया है। बर्तन सारे दिए गए हैं यहाँ पर, तो कुछ भी कमी नहीं है, जैसे कि घर घर जैसा फीलिंग आ रहा है। बर्तन है सारे यहाँ पर, और अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको बाथरूम के पास, और उसमें कुछ छोटी सी डिटेल्स है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो चलते और देखते हैं बाथरूम कैसा है। तो ये है वॉशरूम, छोटा सा ही है, और यहाँ पर मेन डिटेल में जो बताना चाहता हूँ आपको वो है ये, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये घर जैसा फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर सब छोटे छोटे चीज़ों का केयर किया गया है, जैसे कि आपके लाइक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मेडिकल किट दिया गया है, और अगर बेबी के साथ आ रहे हो तो मतलब डायपर भी दिया गया अगर आप भूल गए हो तो पूरा ऐसा घर जैसा फीलिंग उन्होंने रखा है यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी दो चीज़ें मैं बता दूँ आपको। स्टार्टिंग वाला जो चेक इन रहता है वो चेक इन बहुत ही सिंपल था, जैसे हमने इटली के रूम्स में किया था सेम वैसा ही चेक इन था यहाँ पर। अगर आपने देखा नहीं है तो आप इटली का ट्रैवल सीरीज देख सकते हो। नीचे एक बॉक्स रहता है, उसका कोड हमें ऑलरेडी दिया गया रहता है, तो जस्ट वो ओपन करना है, कीज़ लेना है और अंदर आ जाना है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमें अलग लगी, हमने जितने भी यूरोप में हमने ट्रैवल किया है उसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर एक ही साथ आता था, बट कल हमें थोड़ा सा टाइम लगा रिसर्च करने के लिए कि यहाँ पर गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न ऐसा है कि यहाँ पर नल में दोनों हॉट और कोल्ड वाटर तो आता है, बट उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो गीज़र है वो ऑन करना पड़ता है। अब ऑन कैसा करें उसके लिए भी अराउंड 10 मिनट्स लग गया हमको ढूंढने के लिए कि हम ये सब स्विच ट्राई कर रहे थे, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर स्विच है, तो क्या करना है। बट जब हमने ये एक मीटर रूम का जो बोर्ड रहता है वो देखा तो उसमें लिखा गया था हॉट वाटर के लिए ये स्विच ऑन करना है, तो ये ऑन किया तो अच्छा हो गया, कल ही हमने रिसर्च किया तो हमारा आज सुबह का टाइम बच गया है। और अभी प्रियंका रेडी हो गई है, उसका ब्रेकफास्ट कर रही है। हाय, तो अभी हम चालू करते हैं हमारा ग्रीस टूर। होप सो आपको हमारा रूम अच्छा लगा और ये रूम टूर आपको हेल्प करेगा यहाँ पर डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूम सिलेक्ट करना है। तो चलो चलते हैं ग्रीस टूर पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। यस।